चिकन करी का लेग पीस, तो कैसे धुएं उड़ा रहा है। मैं जा रही स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो तो बसते रहो। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। यह है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम आपको लेकर आए हैं जेल रोड। भाई जेल रोड में आज हम आपको ऐसे फूड जॉइंट पे लेके आए हैं जो कि यहाँ पे फेमस है अपने कॉम्बोस के लिए। 1980 से ये फूड जॉइंट है, पर दिल्ली में नहीं था, ये था आगरा में, और अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। जेल रोड ना एक तरह से फूड हब है और यहाँ पे हमने ये खोज निकाला है। तो चलते हैं इनके ऑनर के पास, कुछ पूछते हैं इनसे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं, कुछ अंदर से किचन के ग्लिम्प्स लेते हैं, टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जी इस समय हम खड़े हैं ज्ञान्स पे। ये 1980 से है और फेमस जो था ना ये आगरा में था, अभी यहाँ पे दिल्ली शिफ्ट हुआ है। और अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। सर एक बार बताओगे कि यहाँ पे शुरुआत कैसे करी? ऐसे जी पहले वहाँ चलते थे तो अब हम वहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ के देखा भी जेल रोड जो है एरिया पर ऐसा है कि जहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा मौजें हैं, बहुत खाना पीना मिलता है। तो हमने कहा भी यही जगह जो है अगर अच्छी चीज़ खिलाने के लिए तो यहीं आओ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए फिर हमने यहाँ के शॉप ली और यहाँ काम शुरू कर दिया। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप आगरा में थी आपकी ये शॉप, तो वहाँ से अपना सारा कुछ शिफ्ट करके दिल्ली आ गए हो? हाँ जी, वहाँ से हम पूरा अपना रेजिडेंसी शिफ्ट हुआ है हमारा यहाँ। तो उस हिसाब से फिर वो जो हफ्ता वो बंद करके तो यहाँ आ गए। और अपनी टाइमिंग्स क्या है सर यहाँ पे? सुबह हम 12-12:30 बजे खुलते हैं, दोपहर में लंच, लंच में भी हमारे पास जो आइटम्स हैं मीट वगैरह की सब वो मिलती हैं, प्लस शाम को रात को हमारा मतलब 12-12:15 बजे तक लास्ट टाइम जो होता है उस टाइम तक। तो अपना सुबह अगर आप 12 बजे खोलते हो तो शाम को ये 12 बजे तक कंटिन्यू चलता है, बीच में कोई नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। तो उसमें 4 बजे के बाद हमारे शोरमा और तंदूर आइटम वगैरह वो चलनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले लंच होता है, लंच में बिरयानी वगैरह भी है। तो तो सर मैं यहाँ पे देख रहा था वेज और नॉन वेज दोनों हैं यहाँ पे, स्विगी जोमेटो दोनों पे अवेलेबल हैं? स्विगी जोमेटो जो हमने अप्लाई करा हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा वो भी, मतलब इन फ्यूचर स्विगी और जोमेटो पे आप आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो सर मैं यहाँ पे देख रहा था कि आपने ये कॉम्बोज लगा रखे हैं यहाँ पे और काफ़ी मतलब बढ़िया देख लग रहे थे कि ये कॉम्बो की एक मतलब नॉर्मल प्राइस में ना आप चीज़ यहाँ पे दे रहे हो, तो ये जो कॉम्बो है ये दिन में अवेलेबल होते हैं या शाम को भी अवेलेबल होते हैं? शाम को भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन दिन में पहले शुरू हमने दिन में करे थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे डिमांड आती है शाम को तो हम शाम को भी देना शुरू कर दिया। तो भाई ये थे यहाँ पे अंकल जी जिनसे हमने आपकी बातचीत करवाई। अब चलते हैं किचन में, इनके कॉम्बोज देखते हैं क्या क्या हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे लगवाते हैं और टेस्ट करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। थैंक यू अंकल जी। ओके चलो जी, ये बनने जा रही है यहाँ की स्पेशल आइटम क्रम्पी चिकन। चलो जी ये होगा यहाँ पर फ्राई, ये क्रम्पी चिकन का। तो जी यहाँ पे कई तरह के कॉम्बो मिलते हैं, एक मीट कॉम्बो भी यहाँ पे मिलता है जो कि हम यहाँ पे अपना लगवा रहे हैं मीट कॉम्बो, और यहाँ पे बनने जा रहा है जी अब मीट। तो जी यहाँ पे देखो अब मीट आ गया है, ग्रेवी ये पहले तैयार करके रखते हैं, अभी ग्रेवी को अच्छे से पका रहे हैं। तो जी यहाँ पे मीट हमारा बनके तैयार हो गया। तो जी टेबल हमारी सज गई है, हमने आइटम्स यहाँ पे लगवा लिया है। सबसे पहले ट्राई करते हैं इनका, ये देखो ये जी इनका शोरमा। इस रोड के ऊपर, इस बेल्ट के ऊपर शोरमे की काफी डिमांड रहती है और दिल्ली में तो इस समय शोरमे की बहुत ज्यादा डिमांड है, मौसम की डिमांड भी यही कह रही है। तो जी ये शोरमा ट्राई करते हैं। टिपिकल शोरमे वाला फ्लेवर है, बिल्कुल टिपिकल। अंदर जो चिकन है ना, जो चिकन है बहुत बढ़िया, नॉर्मल जो शोरमा होता है ना एक तरह से कह सकते हैं वही शोरमा। प्राइस की अगर हम बात करें ना तो भाई ये कॉस्ट करता है 60 रुपीज का। शोरमा खाने के बाद ना यहाँ पे हमारे पास है क्रम्पी चिकन जो कि स्नैक्स में है, और ये देखो जी सबसे पहले तो ये देखो अच्छे से फ्राई हो रखा है, गोल्डन फ्राई हो रखा है। अब ये ट्राई करते हैं, ऊपर से डाला हुआ है इसमें चाट मसाला। प्रेजेंटेशन देखो कितनी बढ़िया हो रखी है, दो यहाँ पे मेयोनीज मिली हैं, एक ये और एक ये। जो यहाँ के ऑनर साहब हैं सरदार जी जिनसे हमारी बात हो रही थी, बता रहे थे कि इस पूरी बेल्ट में ना
आपको ये वाला चिकन नहीं मिलेगा इस पूरी बैट के ऊपर। भाई ये ट्राई करते हैं, तारीफ तो यहाँ पे बड़ी सुनी है, अब ये ट्राई भी करते हैं। चिकन काफ़ी जूसी, क्रंच काफ़ी बढ़िया आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, इसके ऊपर जब ये बन रहा था ना तो इन्होंने ना बेसन की कोई मैरिनेशन नहीं करी, जब ये फ्राई कर रहे थे ना तब हमने इनसे थोड़ा सा पूछा, इसमें ना जो प्रॉपर ब्रेड क्रम्स होते हैं ना वो ऊपर डले हुए हैं और इतने अच्छे से फ्राई हो रखा है ना, क्रंच काफ़ी बढ़िया आ रहा है, चिकन जो है काफ़ी जूसी है, मज़ेदार है एकदम। ये चीज़ ना काफ़ी पसंद आएगी आपको, अगर आप नॉर्मल लवर हो, चिकन खाना चाहते हो तो ये चीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगी। और आपको ऐसी चीज़ खानी है तो आपको आना पड़ेगा ज्ञान्स पे, उसका एड्रेस और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसका प्राइस कितना दीपक? ये 300 रुपये का है। इसके साथ ये जो मेयोनीज मिल रही है ना भाई, ये जो मेयोनीज है ना थोड़ी स्वीटर साइड पे है, ये तो इसमें तू देख रहा है ब्लैक पेपर डाला हुआ है और हनी की ना थोड़ी सी इसमें मिठास होती है ना, वो एक फ्लेवर भी आ रहा है, मतलब फैट डाला हुआ है इसमें काफ़ी बढ़िया ना, एक मज़ेदार चीज़ है इसके साथ अगर ये ट्राई करोगे तो। जी स्नैक्स खाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्बो मिल जाएंगे वेज में नॉन वेज में, तो हमने यहाँ पे अपने दो कॉम्बो लगवाए हैं। सबसे पहला कॉम्बो जो हम ट्राई करेंगे ना वो करेंगे जी चिकन का। ये देखो जी ये कॉम्बो बन गया, साथ में इसके प्याज और चटनी मिलती है आपको, तो एक तीन रोटियाँ मिलेंगी तंदूर की। तो ये है जी इनका चिकन, अब ट्राई करते हैं इसे। चिकन करी का लेग पीस तो कहे धुएं उड़ा रहा है, थोड़ी सी अगर मैं चिकन करी की बात करूँ ना, थोड़ी सी जो इसकी ग्रेवी है ना थोड़ी सी पतली है, थोड़े से मसाले जो है ना लाइट है, वो थोड़े से लाइट हैं। अगर आप मसाले कम खाने के शौकीन हो तो भाई ये परफेक्ट है आपके लिए। ऐसी चिकन करी ना आपको जेल रोड पे मिलेगी, कहाँ पे? ज्ञान्स पे। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो भाई ये कॉस्ट करती है 160 की, दिन में और रात में दोनों में ये आपको कॉम्बो मिलेगा, जिसमें आपको दो पीसेस मिलेंगे चिकन के, तीन रोटियाँ मिलेंगी वो भी तंदूरी। तो आते हैं जी अपने नेक्स्ट कॉम्बो में, जो कि है सबका फेवरेट मटन करी। ये देखो जी दो पीस हैं मटन के, ये आ गया चाप का पीस, ग्रेवी काफ़ी बढ़िया है इसकी, अगर मैं चिकन करी से इसको कंपेयर करूं तो उससे मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये ट्राई करते हैं जी, अब मैं ग्रेवी के साथ इसकी एक बाइट लूँगा क्योंकि ग्रेवी मुझे देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही थी, थोड़ी सी थिक ग्रेवी लग रही है। देखो जी मटन जो है काफ़ी सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू चिकन करी की अगर हम बात करें ना, तो भाई ये जो मीट की ग्रेवी है ना ये ज़्यादा बढ़िया वो शानदार है। मसाले जो है ना इसमें बिल्कुल बैलेंस मसाले हैं, बाकी मटन का पीस जो है जो मैं देख रहा था यतिन ने जब तोड़ा था ना, तो बिल्कुल एक ये लगा लो कि इतना सॉफ्ट था कि हाथ लगाते जा रहा था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना इसकी मटन करी की, तो क्या कहता है यतिन? अगर मटन करी की बात करें ना तो मटन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इन्होंने अच्छे से पका रखा है एज कम्पेयर टू चिकन करी। मटन खाने के शौकीन हो और वो भी कॉम्बो में, तो आपको आना पड़ेगा जेल रोड का ज्ञान्स पे। तो जी अगर हम इसके प्राइस की बात करें ना, तो ये है जी 200 रुपये का आपको यहाँ पे मीट मिलेगा, साथ में मिलेगा तीन रोटियाँ, ये आप यहाँ पे मील इंजॉय कर सकते हो, अपना दिन में लो शाम में लो। कहाँ पे लोगे? ज्ञान्स पे। कहाँ पे बढ़ता है जी? जेल रोड पे बढ़ता है, मेट्रो स्टेशन से आ जाओ जेल रोड की तरफ। वैसे तो खाने का यहाँ पे बहुत बड़ा हब बन रखा है, पर ज्ञान्स जो है ना आपको मेट्रो स्टेशन से अंदर आती राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा, यहाँ पे आओ अपना दिन में शाम में अपना मील एंजॉय करो। आगरा से सरदार जी आए हैं, आगरा का फ्लेवर यहाँ पर दे रहे हैं, अगर ट्राई करना चाहते हो तो दीपक ने बता दिया आपको सारा का सारा आटा, पहुँचो यहाँ पर ट्राई करो, कमेंट करके बताओ आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। तो भाई ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी है खाना बदोश भाई दीपक यतिन। खाना बदोश भाई दीपक यतिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।